नमस्कार, मेरा नाम है पवन सोनी और आप देख रहे हैं वायरल वीडियो बॉय। अभी देखो क्या करेंगे कि हम दो या तीन ऐसे इमेजेस लेंगे जिसके ऊपर हम ब्लाइंड करके देखेंगे कि जैसे कि एक इमेज उसके ऊपर दूसरी इमेज और फिर एक थर्ड इमेज, उनका एक मिक्सचर कंपोजिशन जिसे बोलते हैं वो बनाएंगे। तो पूरी वीडियो को देखना है भाई, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लैपटॉप की तरफ आते हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये बैकग्राउंड लेयर सिलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक और लेयर है, वो है वाटर लेयर, और हमारे पास एक है डॉल्फिन, यानी कि हमारे पास कुल मिला के तीन लेयर है। तो हम तीनों लेयरों को इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम काम करते हैं कि ये जो रोड है इस पे हमें चाहिए डॉल्फिन। तो वो कैसे आएगी वो देखो कि सबसे पहले हमने डॉल्फिन सेलेक्ट की, उसके बाद डॉल्फिन को लिखे गए नीचे। इसको थोड़ा सा इसका जो साइज है वो किया छोटा, और हाँ ये जो बेटर है यहाँ पे इस जगह ये ज़्यादा बेटर रहेगी। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो वाटर इफेक्ट है वो भी चाहिए, तो सिमिलरली इसको भी थोड़ा नीचे करके और थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसको। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो डॉल्फिन है इसका हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है यानी कि ये जो सब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो सिलेक्ट सब्जेक्ट वाला जो ऑप्शन होता है वहाँ पर हम गए, तो ये ऑटोमेटिकली ही हमें सेलेक्ट यानी कि सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करके दे देगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं फिर देखते हैं। यार इसका प्रोसेसर थोड़ा स्लो है जिसके कारण ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में थोड़ी टाइम लगा रहा है। चलो फिर भी कोई ना, सब्जेक्ट हो जा भाई सेलेक्ट। हाँ जी, सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अब सिंपल सा हमें क्या करना है कि इसके ऊपर लेयर से एक लेयर मास्क बना लेना है, यानी कि ये जो साइड में नीचे बॉटम पे है वहाँ पे एक मास्क का ऑप्शन है जिसपे हमने अभी क्लिक किया, तो ये मतलब सब्जेक्ट सामने आ गया। अभी सिंपल सी इसके एक और डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, क्यों, क्योंकि हमें इसका जो शेडो है वो भी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले इस जो वाइट और जो ब्लैक वाला जो लेयर मास्क है इसके अंदर हम एक ब्रश सेलेक्ट करेंगे। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद जो वाइटनिंग करेंगे इसके जो शेडोज होगी ना, यानी कि जो वाटर के अंदर थी उसे, देखो वाटर के अंदर शेडोज भी निकालनी है ना, जिससे क्या हुआ अच्छा इफेक्ट देखने को मिले। देखो यार शेडो बाहर आ रही है ना, लग तो रहा है भाई। चलो बढ़िया है, अब इसको ले आते हैं नीचे, और इसका जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है वो भी चेंज करेंगे। वो किसके अंदर करेंगे, हम करेंगे ओवरले या सॉफ्ट लाइट, जो भी आपका मन हो। तो यहाँ पे कर लेते हैं ओवर, हाँ ठीक है ओवरले कर लेते हैं। फिर आई बात जो हमारे वाटर इफेक्ट की है, तो वाटर को भी हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरलेप करना ही पड़ेगा, क्योंकि कारण है भाई, ओवरलेप नहीं करेंगे तो जो साइड वाला पोर्शन है वो भी इस जो बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं होगा। तो मैंने इसको ओवरलेप किया, और ये नेसेसिटी भी होता है। सबसे पहले इसके ब्रश सेलेक्ट करेंगे, सॉफ्ट लाइट ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है जिससे अभी पेंटिंग कर रहे हैं माड़ा माड़ा, तो भाई हो जा भाई ये ठीक है, ये हमने किया यहाँ पे पेंट। अब बात आती है कि डॉल्फिन इस बैकग्राउंड के साथ मैच कैसे होगी, तो ये होगा कलर करेक्शन के थ्रू। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे क्या है ना, इसको ओवरलेप किया तो थोड़ा सा अजीब सा हो गया ना, देखते हैं इसके ऊपर और कोई सूटेबल बैठता है कलर या लुमिनोसिटी। नहीं नहीं कौन सा ब्लेंडिंग ज़्यादा ऑप्शन सेट बैठेगा, पिन लाइट सही बैठेगा ना, ठीक है पिन लाइट जो है वो ब्लेंडिंग ऑप्शन इस पर ज़्यादा सूटेबल होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो बढ़िया भाई, आपको ये इमेजेस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक भी कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये इमेजेस मिल जाएगी। और फिर ये हो गया हमारा इतना पोर्शन कम्प्लीट। अब बात आती है कि भाई डॉल्फिन के जो कलर करेक्शन है वो कैसे करेंगे, सिंपल सा कुछ नहीं, एक आपको कर्व सेलेक्ट करनी है यहाँ पे। तो कर्व हमने अभी सेलेक्ट कर ली है, और डायरेक्ट ही इसके अंदर एक नीचे ले आना धीरे धीरे, ठीक है एक यहाँ, यार यहाँ नहीं थोड़ा यहाँ से नीचे, और फिर एक यहाँ से, मतलब ये जो बैकग्राउंड ब्लैक है ना पीछे, तो इसके ऊपर अब सिंपल सा इसके ऊपर एक क्लिपिंग मास्क बना देना है। हमने इसके ऊपर एक क्लिपिंग मास्क वाला जो इफेक्ट है वो दे दिया, जिससे क्या होगा कि ये जो पीछे जो ब्लैक बैकग्राउंड है और इसका जो कलर है यानी कि इस पे जो लाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसके बैकग्राउंड के अंदर जो रोड है वो थोड़ी सी कम है।
तो मेरा तो यही मानना है कि यहाँ पे जो कर्व वाला है वो इफेक्ट बहुत ज़्यादा शानदार रहा। और अभी देखो इसके अंदर और क्या करेंगे कि ये जो मतलब जो रोड आ रही है ना, रोड को हम थोड़ा सा जो पट्टी सी है व्हाइट कलर की, इसे भी हटाते हैं। तो इसके लिए बैकग्राउंड की एक और डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, सिंपल सी बना ली। अब इसके ऊपर क्या करना है कि हमें एक पूरा का पूरा लेयर मास्क चाहिए। जिससे क्या होगा, अभी लेयर मास्क किया, पीछे वाला भी बैकग्राउंड जो है वो भी चल रहा है, यानी कि ये जो पीछे वाला बैकग्राउंड है इसके अंदर भी एक लेयर मास्क चाहिए। तो सिंपल सा इसी के अंदर ये कर लेते हैं, तो इसको कर देते हैं हम आई, और यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी ना एक और कॉपी बनाने की, ठीक है ये कॉपी ऐसी बना यार, चलो कोई नहीं। हमारा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे ऊपर जो रोड वाली ये इफेक्ट, और एक कंपोजिशन बनाना था जैसे कि डॉल्फिन वाटर के अंदर है। अब देखो इसके अंदर एक और क्या करना है कि ये वाटर वाला और इस वाटर के अंदर दोनों में मिक्सचर है, तो इसको भी कर लेते हैं सेम ही। जैसे कि ये जो वाटर है ना यहाँ पे, तो इसको सिंपल से डुप्लीकेट लेयर बनाई, नीचे किया और इसका एक ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है वो चेंज कर दिया, यानी कि ओवरलेप कर दिया, और ये ज़्यादा कुछ बढ़िया लग रहा है ना। थोड़ा डाउन, और यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं ओपेसिटी को, ये काफ़ी बेटर लग रहा है। अब सिंपल सा एक और कर्व सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, इसकी क्लिपिंग मास्क, और यहाँ पे थोड़ा सा बॉटम पे, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, ये ठीक है, आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा ऊपर, और ये ठीक है, हाँ ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी बढ़िया कंपोजिशन है। अब सिंपल सा एक और चीज़ है हमारे कलर लुकअप की तरफ, यानी कि कलर लुकअप हमें एक बार सेलेक्ट कर ही लेते हैं। इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि क्रिस्प वार्म, जैसे कि ये ज़्यादा ज़्यादा वार्म हो गया ना, तो देखते हैं कौन सा ज़्यादा सूटेबल बैठेगा इसके अंदर। टेल ऑरेंज नहीं, और नहीं, यहाँ स्ट्रिप, हाँ ये ज़्यादा बेटर है, यानी कि थ्री स्ट्रिप डॉट लुक के जो कलर लुकअप है जो इसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा बेटर है और अच्छा भी लग रहा है। चलो फिर आज का जो ट्यूटोरियल है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अंदर क्या कहता था हमने कि दो या तीन इमेजेस उनका एक कंपोजिशन बनाया है इसके अंदर, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। जैसे कि डॉल्फिन हमारे रोड पे आ रही है, ठीक है, तो एक छोटा सा कंपोजिशन है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस कंपोजिशन को आपने लाइक किया है, तो बेझिझक आप सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब बटन, और ये मेरे दो वीडियोस के लिए, हाँ ये सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। बाकी देखो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।